It's not about only one movie. Yes, sir. Although this movie is going so hit, like today you saw that n number of people are coming and they are giving you such a good review. What you would like to say about it? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ और आज तो स्पेशल था हम लोगों के लिए क्योंकि आज मैं पैप्स के फैमिलीज को भी मिला हूँ और उनको फोटोग्राफर्स के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग दी उसके पीछे की रीज़न यही है, मैं बताता रहा हूँ, जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं सारा दिन भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनके घर वाले भी तो सोचते होंगे कि किन के लिए कर रहे हैं, सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि उनको दिखाया जाए उनकी फैमिलीज़ को और अभी जितनी नहीं आ पाई उन सबको दोबारा बुलाएंगे। मैं हमेशा से देखा है आपका जो भी स्टोरी कॉन्सेप्ट होता है बहुत अच्छा होता है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ लोगों को सिखाता ही है, तो कैसे ढूंढ पाते हो? डायरेक्टर साहब, कैसे ढूंढी आपने कहानी? बस लिख ली, 10 महीने की राइटिंग। जी, जिस तरीके से इसमें एक देखा गया है कि आपने भी थोड़ा सा श्रेय दिए एक्शन के लिए, तो कितना मतलब आपको डिफिकल्ट या फिर चैलेंजिंग लगा रहेगा? नहीं, मजे तो बहुत आए हैं, एक्शन करने में मजे आते हैं और अक्सर मुझे पता होता है मैं क्या कर सकता हूँ, तो इस बार डायरेक्टर साहब ने जिम्मेदारी दी, उन्होंने कहा जो जो कर सकते हो करके दिखाओ देसी स्टाइल से। ऐसा कौन सा फेवरेट सीन जो पूरे मूवी में आपको जो सबसे ज्यादा भाया हो या फिर मजा आ गया? जो मजे जिसमें आए थे, जिसमें वो मुंह मेरा मिट्टी के अंदर जाता है ना, पूरा फेशियल हो गया 2-3 बार में, सो बहुत मजा आया। फिर लास्ट में एक हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने गले में वो जो डाला, ब्लडिंग का क्या आता है कॉन्सेप्ट, क्या लाइक कितना आसान था वो वैसे कॉन्सेप्ट दिखाना? नहीं, एक्चुअली जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि जिसने रेपिस्ट का क्या करना चाहिए, हमें तो पता नहीं सरकार क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, उससे हमें लग रहा था कि अगर इतनी बेदर्दी से किसी बच्चे के साथ कुछ किया जाए तो उसको कैसे सजा दी जाए, तो डायरेक्टर साहब ने सोचा जितनी बुरी तरह से मारा जाए वही किया जाए, सो आई थिंक लोगों को पसंद आया। बात करें तो कुछ सालों में ऐसे काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले, उससे रिलेटेड ये मूवी बने, क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला? हाँ, सोशल मैसेज स्ट्रांग है फिल्म का, अभी हम लोग हर दिन तो पेपर में सुनते रहते हैं कि ये सब इंसिडेंट्स होते हैं, तो फिल्म में वो सोशल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मीडिया में हर दिन हमें सुनने मिलता है, तो आइडिया यही था कि इस विषय को थोड़ा सीरियसली लोगों के सामने एक एंटरटेनिंग तरीके से रखा जाए ताकि आपके दिल को छुए बात। फारूक जी, एज ए डायरेक्टर, एक ऐसा कौन सा पर्टिकुलर सीन जो आपको बहुत ही मोस्ट चैलेंजिंग लगा हो पूरे मूवी में? अगर आप बच्चे से पूछेंगे उसकी सीधी आग ज्यादा अच्छी लगती है या उल्टी आग, तो क्या जवाब देंगे आप, सब कुछ अच्छा लगता है अपने। बट हाँ, एक सीन था जहाँ विद्युत खेत में वो लड़के को मारते हैं जिन्होंने इनकी बेटी के साथ वो हरकत की है, उस सीन में ये बेहोश भी हो गए थे सीन करते करते, वो बड़ा इंटेंस रात थी हमारी शूट करने की, तो वो मुझे हमेशा याद रहेगी। सर, बात करें हम चैप्टर 3 के बारे में, उसके बारे में क्या कुछ कहना है? पंडित जी यही है, यही बताएंगे कि फ्यूचर में होएगा, 10 साल एज होना पड़ेगा उसके लिए। जी, यहां पे कुछ ऐसी फैमिली थी जिन्होंने फर्स्ट टाइम थिएटर एक्सपीरियंस किया, वो भी आपके मूवी से, सो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत अच्छी फीलिंग है, वो एक हमारे कैमरामैन की मदर थी और उन्होंने कहा मैं पहली बार जिंदगी में थिएटर आई हूँ, आई थिंक हमारे लिए क्या खुश, मैंने उनको बोला कि मम्मी आप हमारे लिए लकी हैं।